तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आज यानी कि मंगलवार को आपको बिग बॉस के घर में क्या देखने को मिलने वाला है। तो आपको बताते चले कि स्टार्टिंग में ही जो विशाल हैं वो चिल्लाते हुए नज़र आएंगे और सीधे सीधे बिग बॉस को धमकी देंगे कि बिग बॉस आपने गलत किया, जो कि मधुरिमा को आपने नहीं निकाला घर से। इस पे शहनाज कहती हुई नज़र आएंगी कि क्या यार विशाल, तू इतनी छोटी बात को लेकर तमाशा बना रहा है। और इस पे आरती कहेंगी कि ये छोटी सी बात नहीं है, अगर मुझे किसी ने चप्पल मारा होता या फिर गाली दी होती शहनाज, तो मैं उसको उठा के पटक देती या फिर घर से बाहर ही करवा देती। दोस्तों, आपको बताते चलें कि विशाल का पारा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है और इसके बाद बिग बॉस को फिर से एक बार डिसीज़न लेने के लिए सारे घर वालों को बुला के बैठाना पड़ता है। और बिग बॉस पूछते हैं कि आप लोग बताओ, आपस में क्लियर कर रहे हो या फिर सच में आप घर से बाहर जाना चाहते हो? भैया बता दो और हम घर से उसको बाहर निकाल देंगे, विशाल या फिर मधुरिमा, दोनों आपस में डिसाइड कर लो और हमको बता दो। दोस्तों, आपको बताते चलें, इनमें से लेकिन कोई भी डिसाइड नहीं कर पाता है और सेम सिचुएशन चलती ही रहती है और कोई घर से बेघर नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों आता है घर का सबसे बड़ा टास्क, जो कि होता है नॉमिनेशन टास्क। और दोस्तों, ये नॉमिनेशन टास्क इतना खतरनाक होगा क्योंकि शहनाज इसमें मारेंगी पलटी। जी हाँ, हम आपको बता दें कि यहाँ पे पारस जो हैं वो सभी घर वालों को कहते हुए नज़र आएंगे कि माहिरा को इस बार बचा लो, माहिरा को हर बार सब लोग टारगेट करते हो, तो प्लीज़ मैं कहूँगा कि इस बार माहिरा को नॉमिनेट मत करो अपने ग्रुप से, वो कहेंगे, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज हो गए इन सब से। लेकिन शहनाज जो हैं वो इस बात को नहीं मानती हैं और शहनाज कहती हैं, भैया मैं क्यों बचाऊँ माहिरा को, मैं नहीं बचा रही माहिरा को, मैं करूँगी नॉमिनेट। और इस पे जो माहिरा हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि आजकल जो शहनाज है उसकी बातें चुभने लगी हैं, शहनाज क्यों नहीं समझती है कि हम लोग एक टीम है, हम लोगों ने तो कभी उसको उल्टा सीधा भी नहीं बोला है। इसके बाद पारस कहते हैं कि वो अपनी असलियत दिखा रही है, शहनाज तू टेंशन मत ले। वहीं शहनाज जो है वो दूसरे टीम के साइड बढ़ती हुई दिख रही हैं और वहाँ पे जाके वो चर्चा करती हैं नॉमिनेशन के बारे में। दोस्तों, आपको बताते चले कि माहिरा भी काफ़ी ज़्यादा टेंस रहती हैं और जो शहनाज हैं वो दूसरे टीम से जाके ये डिस्कस करती हैं कि यार क्यों डरते हो नॉमिनेशन से, मुझे अब माहिरा को नहीं बचाना तो नहीं बचाना, तुम्हारे कहने से थोड़ी ना चलूँगी मैं, अब मैं इन सबको गेम सिखाऊँगी। वहीं दोस्तों, आपको बताते चले कि फिर इसके बाद पारस कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ठीक है, अगर तुम लोग माहिरा को सेव नहीं करना चाहते हो तो हम आरती को सेव करते हैं और आरती को बचाना चाहते हैं। लेकिन इस पे भी शहनाज मना कर देती हैं और कहती हैं कि मैं आरती को भी बचाना नहीं चाहती, मैं आरती को भी नॉमिनेट करना चाहती हूँ। और दोस्तों, आरती इससे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं कि शहनाज मेरे को क्यों नॉमिनेट कर रही है यार। और इसके बाद जो आरती हैं वो पारस के साथ डिस्कस करती हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि शहनाज मेरे से भी पलटी मार जाएगी, मैं इतना शहनाज का साथ देती हूँ, वो जब भी रोती है मैं सबसे पहले पहुँच जाती हूँ, लेकिन क्या हो गया उसको समझ नहीं आ रहा। इसके बाद पारस जो हैं वो सिद्धार्थ शुक्ला से डिस्कस करते हुए नज़र आते हैं और कहते हैं यार शहनाज क्या कर रही है, फिर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। फिर इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला कहते हैं कि अब हमारी टीम टूट रही है। तो दोस्तों, यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं बिग बॉस के घर में। आपका क्या कहना है इस पे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।